जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली है उसके बारे में एसआई फाइंडिंग दे रहे हैं। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट टू क्रिएट एडिशनल स्पेस एंड अ लार्ज प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क फॉर एकोमोडेटिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर प्रेयर्स। पिलर्स फ्रॉम द अर्लियर टेम्पल्स वर रीयूज्ड व्हाइल मेकिंग सेलार्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अ पिलर डेकोरेटेड विद बेल्स niches for keeping lamps on all four sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो pillars थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक pillar में जो Samvat 1669 का मतलब जो corresponding to 1613 first January Friday का है उसको दोबारा reuse किया गया cellar में तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरिड अंडर द डंप्ड सोइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरिड अंडर द डंप्ड सोइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरिड अंडर द डंप्ड सोइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज, अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे। एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल रिमेन्स डेकोरेटेड मोल्डिंग्स ऑन दी वॉल्स करना